हाँ देखिए इधर, तो अगर कभी, अगर कभी ऐसा बोले कि दो मिरर्स हैं, शांत रहिए, दो मिरर्स हैं और दोनों के बीच का एंगल कितना है और उस वहाँ हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारा केस होता है कि अगर एकदम बाइसेक्टर पर ना रख के कहीं और रखा गया हो, केस बहुत सारा होता है, लेकिन मेन जो दो केस है बस वही हम लोग देखेंगे। अगर बीच में कहीं रखा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट को, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे उसके लिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। आंसर अगर ऑड में आया, सॉरी आंसर अगर इवन में आया तो हम एक घटा लेंगे, और मेरे ख्याल से पिछले एग्जाम्पल से आप ये समझ पा रहे होंगे कि एक हम क्यों घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, पिछली बार ही बताइए ना इमेज बना कितना था, ये बना चार गुना था, वो दो गो इमेज एक ही जगह बन गया था तो हमने उसको एक ही कंसीडर किया था, तो अगर इवन आ गया ना तो बाबू हम एक घटा लेंगे, जो भी 360 अपन थीटा करने से मिलेगा उसमें से हम एक घटा लेंगे, और अगर ऑड आया, ऑड आया तो उतना ही रहने देंगे, क्लियर है। एक और बात है, इमेज बनेगा कहाँ, तो मिरर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना उसको उसको कंसीडर करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करिएगा ऑब्जेक्ट को मिलाने के लिए, जा इसको रेडियस की तरह ट्रीट करते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ करिएगा, जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो इसी सर्कल पे कहीं बनेंगी, हाँ जैसे मान लो कि ये जैसे किया तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए, अब इसका इमेज ये कहाँ बनाएगा तो यहाँ बनाएगा, फिर इसको क्या करेगा, अब चूंकि इसके इधर रखा हुआ है तो अब इसको ये अपना, तो अब इसका इमेज ये यहाँ बना देगा, आप समझ रहे हैं, तो इसी लाइन पे बनेंगे, ये सब नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट नंबर ऑफ इमेज पूछेगा, तो इसी सॉरी लाइन नहीं इसी सर्कल पर कहीं होगा, दो गो चार गो दस गो जितना भी बनना होगा उसी सर्कल पे बनेगा, ठीक है। आइए एग्जांपल से हम समझते हैं यहाँ कहानी क्या है, तो सबसे पहले बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इफ एंगल बिटवीन मिरर इज कितना, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री बाई 90 डिग्री करेंगे, आंसर कितना मिला, देखो बनने को ओरिजिनली चार बनना चाहिए था कि नहीं, लेकिन फिर भी जब हम नंबर ऑफ इमेज बोल रहे होंगे तो नंबर ऑफ इमेज में हम क्या करेंगे, बराबर कितना, तीन ही ना बना है, ठीक उसी तरीके से दूसरे वाले में 72 डिग्री है तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई आंसर कितना है, बस पाँच है तो पाँच ही रह जाएगा, इसमें हमको घटाने वटाने की जरूरत, इसमें कोई दो इमेज ओवरलैप नहीं करेगा, क्या हुआ है, है? पांच, तो इसमें आंसर कितना होगा, पांच ही हो जाएगा, कुछ खा रहे हो क्या है? क्या खा रहे हो, बोल रहा है खत्म हो गया, तुम लोग मजेदार आदमी नहीं है, चलो इधर देखो, क्लियर है, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, पांच ही होगा, 360 बाई थीटा अगर ऑड आए तो वही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये एक आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी 2002 का है, तो इसमें दो प्लेन मिरर्स ऐसे आमने सामने रखे हुए हैं, और क्या हुआ, आमने सामने रखे हुए ना ऐसे, ठीक है, आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, बोलिए, जैसे पहला रिफ्लेक्शन एकदम इस एज पे हुआ है तो होगा ना कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा, फिर नॉर्मल ड्रॉ करिएगा, फिर रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा, अरे बोलो ना, रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट करके ऐसा जाएगा, तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने हैं, अब रोने दो, पानी खाली दे दो, पानी, अरे पानी, अच्छा जाओ रोने दो, हम 10-15 मिनट छुट्टी कर देते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताना है, तो मेरे कहने का मतलब है
कि पहला रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ है, तो पहला रिफ्लेक्शन तो यही पे हुआ है, और इसने बोला भी है कि इंक्लूडिंग द पहले वाले रिफ्लेक्शन को आपको कंसीडर करना है, तो पहला यही पे हुआ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा, यही ना पता करना है टोटल कितना नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले ये पता कर लो कि पहला रिफ्लेक्शन यहाँ तो हुआ है, अगला वाला कितनी दूरी पर हुआ है, अरे बोलो अगला वाला कितनी दूरी पर हुआ है। तो उसके लिए हम थोड़ा ये वाला डिस्टेंस निकाल लें, इस डिस्टेंस को अगर हम एक्स कह दें और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, कन्फर्म है ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब देखिए हमको ये चीज़ पता है कितना है 0.2 मीटर, और हमको ये निकालना है। तो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में एंगल के लिए ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर सामने वाला ना होता है, ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो कौन है जो बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन देता है, कौन देता है, टेन देता है। तो हम लोग इधर लिखेंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है एक्स और बेस कितना है 0.2 मीटर है, ऐसा करके है। सही में भूत है, चलो कोई बात नहीं है। अरे यार क्या बात करते हो, जब भगवान सामने हो भूत से डरा जाता है क्या, कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 10-30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो एक्स डिवाइडेड बाई 0.2 मीटर होगा ना, तो ये 10-30 डिग्री होता है 1/√3, और ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई 0.2 मीटर। यहाँ से एक्स आपको कितना मिलेगा, तो 0.2 मीटर डिवाइडेड बाई √3। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक मिनट इधर देखिए, हर इतने ही डिस्टेंस के बाद ना एक रिफ्लेक्शन होगा। जैसे जैसे बाबू पहला, जैसे देखिए पहला रिफ्लेक्शन अगर यहाँ हुआ है तो अगला रिफ्लेक्शन इतने डिस्टेंस के बाद होगा कि नहीं, और आपको नहीं लग रहा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, यानी हर एक्स डिस्टेंस के बाद एक रिफ्लेक्शन होगा। तो आप पता कर लीजिए ना कि इस पूरे लेंथ में कितना एक्स है, तो क्या किया जाए, पूरे लेंथ को एक्स से डिवाइड कर दिया जाए। अरे बोलो ना, जैसे मान लो कि ये 2 मीटर होता है, हेलो इधर देखो 2 मीटर होता है और ये 10 मीटर का होता है, तो टोटल कितना एक्स होता है, 5x होता है। तो हम क्या करेंगे, पूरे लेंथ को x से डिवाइड कर दें, तो पूरे लेंथ को आप x से डिवाइड करिएगा, शांत होइए, पूरे लेंथ को x से डिवाइड करोगे तो तुमको नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाएगा ना, क्योंकि हर x पर एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पूरा डिस्टेंस कितना है 2√3 को, मीटर को डिवाइड करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाई √3 मीटर से, मीटर से मीटर तो कट गया, ये आपका √3 ऊपर जाके 3 बनेगा, और ये डेसिमल ऊपर लेके जाओगे 10, 2 से काट कूट तुम कर लेना, आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन क्या है, इस, बहुत बढ़िया। अब सुनो, यहाँ से शुरू होता है एक कॉन्ट्राडिक्शन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में कोटा के आंसर जो है 31 बताया जाता है, इवन मैंने भी पढ़ा था तो बताया गया था इसका आंसर होगा 31, आप समझ रहे हैं, हालांकि इसमें नहीं है, तो ये बताया जाता है कि IIT का ये जो ऑप्शन है वो गलत है। बहुत सारी किताबों में भी आप देखिएगा एक जोड़ के बताया जाता है। अब मैं बताता हूँ वो लोग क्यों ऐसा बताते हैं, क्योंकि आपको क्या लग रहा है, पहला एक्स डिस्टेंस यहाँ है जा, तो इसको क्या तुम पहला रिफ्लेक्शन बोलोगे, ये तो पहला तो इसको ना बोलोगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तब नहीं ये पहला होगा, आप समझ रहे हैं। तो पहला ये है, सॉरी ये तब पहले एक्स पे दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ है, एक्स एक्स यहां पे दूसरा रिफ्लेक्शन है, ये तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, आप बात समझ रहे हैं, तो 2x के बाद
तीसरा रिफ्लेक्शन होगा, तो 5x के बाद छठा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जोड़ के ना बताइएगा। इसीलिए वो लोग एक जोड़ के बताते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इसका सही आंसर 30 ही होगा। बताऊं कैसे, मैं बताता हूं कैसे। अगर तुमने यहां पे थोड़ा सा भी चढ़ा दिया है जा, तो यहां पे वो सीधा नहीं, मिस कर जाएगा। ये आप नहीं समझ पाए। ये एग्जैक्ट जो है, ये 20√3 मीटर है ना, सॉरी 2√3 मीटर है ना, अरे बोलो। तो इसको आपने एकदम इक्वल पार्ट्स में कितने में डिवाइड किया है, ये एक, अब जैसे मान लो कि इस फोटो के हिसाब से देखा जाए तो हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1, 2, 3, 4 और क्या 5 पार्ट्स में मान लीजिए हमने डिवाइड किया है, एग्जैक्ट इक्वल। तो आप बताइए कि अगर हम थोड़ा भी यहाँ उधर चले जाएं, अरे बोलिए ना, हम एकदम यहाँ एज टू एज ना हम देख रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा सा चढ़ाना पड़ेगा ना। तो जैसे ही थोड़ा सा चढ़ाओगे, वो जो आखिरी वाला होगा वो उधर खिसक जाएगा। इसका मतलब हुआ ना, आखिरी वाला रिफ्लेक्शन वहां होगा ही नहीं। यानी अगर ये मान लीजिए सिर्फ इतना ही बड़ा मिरर होता, हेलो, इतना ही बड़ा मिरर होता, कितना बड़ा मिरर होता, इतना ही बड़ा होता, तो अगर तुम यहां रिफ्लेक्शन करा दिए ना, तो यहां पर नहीं होगा, वो थोड़ा सा उधर ना जाके होगा। आप समझ रहे हैं? तो पहला वाला इंक्लूड तो हम कर लेंगे, लेकिन आखिरी वाले को तब हमको छोड़ना पड़ेगा। हम थोड़ा भी इधर चढ़ाएंगे तो वो इधर से उतर जाएगा। ये बहुत लोग नहीं सोचता है। इवन इतना मैंने क्यों सोच लिया पता है क्या है, कि जिस समय हमको पढ़ाया गया था ना, वो बोला था कि वो जोड़ने, घर पे जाकर मैंने बहुत सोचा कि IIT गलत ऑप्शन कैसे दे सकता, IIT एडवांस हलवा है, गलत ऑप्शन दे देगा। तो मैंने सोचा, मैंने टीचर से आकर डिस्कस भी किया, लेकिन वो चुप हैं, ऐसा थोड़े है, ये लेंगे तो उधर भी लेंगे, कहे लेंगे भाई, हम 1 मिलीमीटर भी इधर चढ़ाएंगे तो 1 मिलीमीटर इधर खिसकेगा वो रे, और वो रिफ्लेक्शन में नहीं जाएगा तो हम आखिरी वाले को काउंट नहीं करेंगे। यानी अगर इतना ही बड़ा मिरर होता ना बाबू, हैं, तो एक रिफ्लेक्शन अगर यहाँ हुआ है तो इसको रिफ्लेक्शन नहीं मानेंगे, एक के रिफ्लेक्शन मानेंगे हम, दो नहीं बोलेंगे। हे भगवान, अब पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं, लेकिन इसका सही में सही आंसर क्या है, 30 ही है। क्लियर है? ये एक्चुअली कुछ गड़बड़ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 का फोटो दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जिसका फोटो है वो दिया नहीं है, लेकिन मैंने PDF अपलोड किया है ना, कर दिया है, जितना हमने पढ़ा है उतना का PDF मैंने अपलोड कर दी। तो वहां पे जाके आप ये 4-5 नंबर क्वेश्चन एक बार देख के कोशिश करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, और ये कह रहा है कि पेंसिल ऑफ लाइट, पेंसिल ऑफ लाइट का मतलब वही बीम ऑफ लाइट, अरे बोलिए ना, फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर एंड फॉर्म्स अ रियल इमेज। प्लेन मिरर ने एक रियल इमेज फॉर्म किया है, तो बताइए इंसिडेंट रेज कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, डाइवर्जिंग होंगी, कन्वर्जिंग होंगी, कि ये स्टेटमेंट ऐसा होगा ही नहीं। ये भी IIT का ही क्वेश्चन है, वो छूट गया है उसमें, लेकिन IIT का ही है। बताइए कैसी होंगी, अरे कब प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो का मतलब हुआ रेज कैसी हो। अरे यार, इसी केस में ना इधर रियल इमेज बनेगा, और ऑब्जेक्ट हम इसको मानेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, और रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज होता है, तो इंसिडेंट रेज शुड बी कन्वर्जिंग इन नेचर, इज इट क्लियर। चलिए, ये 2 प्लेन मिरर्स आर केप्ट कितना, 60 डिग्री पे, एगो प्लेन मिरर ये है, एगो प्लेन मिरर ये है, कहाँ रखा गया है, 60 डिग्री पर। अब उसमें कोई ऑब्जेक्ट आपने रख दिया तो कितना इमेज बनेगा, तो क्या बताया, 360/60 बताया, अरे बोलिए ना, आंसर कितना आएगा, क्या नंबर ऑफ इमेज 6 है, एक घटा के बनाना होता है, बताना होता है, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, 5 हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। ये अच्छा, ये क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कि जब कभी भी हमको अपना पूरा इमेज देखना है, सर से लेके पांव तक एकदम बाल, जैसे मान लीजिए कि आपको तैयार होना है,
तो पूरा बाल बाल से लेकर जूता उता सब ना आप देखिएगा, एक बार में देख लेना है। ऐसा नहीं कि मिरर लेकर पहले बाल देख लिया फिर ऐसा करके, एक बार में देखना है। तो जनरली ड्रेसिंग टेबल्स जो बनते हैं वो इसी हिसाब से बनते हैं कि जब आप उसके सामने खड़े होइए तो सर से लेके पांव तक आपको सब कुछ दिखे। सवाल ये है कि कम से कम कितना बड़ा मिरर होना चाहिए। अब मान लो इतना बड़ा, और शादी ब्याह में वो गोल का मिरर आता है जो बिना काम का होता है, ऐसे ही फेंका जाता है। अब उसमें तुम सोचोगे कि पूरा सर से लेकर पांव तक देख लें, पॉसिबल नहीं ना है। अरे कुछ हाइट होना चाहिए ना उसका भी। तो सवाल वही है कि कितना, कितना का मतलब क्या हुआ, एकदम जमीन से सटा के एकदम छत तक थोड़े लेके जाएंगे हम, कम से कम कितना होना चाहिए। तो जवाब पहले सुन लो, बाद में अभी मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। जवाब है आपकी हाइट का जस्ट आधा। आप 6 फीट के हैं तो 3 फीट का मिरर खास तरीके से लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। अब 3 फीट का मिरर लेके ले धरती में सटा दो तो झांक दो ऐसे देखना पड़ेगा, हमको खड़े खड़े देख लेना है। तो आओ कंडीशन समझते हैं। तो मान लो बाबू कि ये कोई आदमी है, ये एक आदमी, अरे ये शांत रहिए, किसी दूसरे ग्रह का आदमी होगा, हल्ला मत करिए। ये एक आदमी है तो इसको सामने मिरर पे एकदम शांत रहो ना, सामने बाबू मिरर पे ना, सामने कहाँ, इसको अपना फुल इमेज देखना है, ठीक है, फुल इमेज देखना है, सर पैर से लेके कहाँ तक सर तक देखना है। तो अच्छा एक काम करते हैं, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा, एक काम करते हैं ना, इसको और पिचका देते हैं। मान लो आदमी ये है पूरा यहाँ से लेकर, तो ये पैर है, ये सर है और यहीं पे ना आँख है। हाँ तो मान लो बाबू की सर से लेके आँख तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स, आँख से लेके पैर तक का डिस्टेंस कितना है, वाई। सामने मिरर पे पूरा नीचे से ऊपर तक इसको देख लेना है। दिखने का कंडीशन ये होगा कि पैर से लाइट निकल के आँख तक पहुँचना चाहिए, तब उसको अपना पैर दिखेगा, और सर से लाइट निकल के आँख तक पहुँचना है तब उसको अपना सर दिखेगा। हाँ अब सामने मैंने देखिए ये मिरर लगा दिया एक पूरा एकदम इतना लंबा, पूरा मतलब आदमी है कि हाइट का मैंने मिरर लगा दिया डर के मारे हैं। अब आप बताइए कि पैर से एक, ये पैर है ना बाबू, एक रे ऐसा निकला, बताइए नॉर्मल कैसा होगा, नॉर्मल तो ऐसा नहीं। कोई बात नहीं है, नहीं नहीं अब आदमी को हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है, ये पैर है, ये आंख है और ये क्या है, सर है, ऐसे ही फील करो, ठीक है। और सामने में मैंने क्या रखा है बताओ, मिरर रखा है। अब मैंने कहा कि पैर से एक रे निकला, अरे निकल तो बहुत सारा रे ना रहा होगा, एक रे मैंने लिया। अब आप बताइए नॉर्मल कहाँ होगा, नॉर्मल यहाँ ना होगा, बोलो ना, हाँ ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि ये टकराने के बाद कहीं ऐसा इधर यहाँ पर जाएगा, बोलो ना, तो तुमको अपना पैर दिख गया, अरे रे निकल के गया, मिरर से टकरा के घुटने पर आ गया, तो पैर दिखेगा जब ऐसे नीचे जाओगे झुकोगे, मैंने झुक के यहाँ से देखोगे तब ना दिखेगा, यानी कि इस रिफ्लेक्शन से तो आपको आपका पैर दिखने वाला नहीं। एक और रे भेजते हैं हम, ये लीजिए इसको भेजा मैंने, जाओ तुम जाओ, ठीक है। अब ये गया नॉर्मल, ये रहा, ये यहाँ आ गया, आपको दिख गया आपका पैर, अरे आँख तक ना पहुँचाना है, रुकिए एक मिनट, अब मैं पहुँचाता हूँ आँख तक, रुकिए एक सेकंड, आँख तक मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए ये एक इंसिडेंट रे, बोलो बाबू, नॉर्मल ड्रॉ करें, तो ये रहा नॉर्मल,
तो रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बना के ना जाएगा, कहाँ पहुंच गया? आपको अपना पैर दिख गया कि नहीं? मतलब पता है क्या हुआ? मतलब हुआ कि इसके नीचे के मिरर का कोई काम नहीं। आपके पैर से ऐसा कोई लाइट निकल के नहीं जाएगा जो इनसे टकरा जाए और आपकी आंख तक पहुंच जाए, यानी ये फालतू है। समझ में आया? पूरा मिरर हुआ को इधर से हटाइए और बस आप मिरर कहां से शुरू करिए, नीचे। ये सब बिना मतलब का था, हम चाहें तो अब इसको डिलीट कर सकते हैं। सब बिना मतलब का, कोई काम का नहीं है। क्लियर है? सिमिलरली सर को भी तो देखना है। चलिए, तो सर अगर आप देखना चाहते हैं तो मान लो कि अभी मिरर मैंने खूब ऊपर तक बनाया है, तो यहाँ से एक रे मैंने भेजा, टकराने के बाद वो यहाँ पहुँच गए। ओ, वो जो रे भेजा वो भेजे पे पहुँच दिखेगा तुमको, आंख तक पहुँचाना है। तो मान लो कि रुको, कुछ ऐसा रे मैं भेजता हूँ ना जो आँख तक पहुँचेगा, बोलो बाबू। तो ये मैंने एक ऐसा भेजा और ये जब भेजा तो ये कहाँ पहुँचा? आँख तक। मैंने लगना भी चाहिए कि रिफ्लेक्शन ठीक से हुआ है। तो यही ना आपका नॉर्मल होगा कुछ ऐसा, बोलो बच्चों। व्हाट डज इट मीन कि इसके ऊपर वाले मिरर का कोई काम नहीं, वो यूजलेस है। वो कोई भी रे आएगा टकराएगा वो अलग बात है, लेकिन आपकी आँख तक नहीं पहुँचेगा। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर वाला भी बिना मतलब का है। आप समझ रहे हैं? अरे बोलिए ना, यही रे ना आपको आपका सर दिखा रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाले को तुम लोग हटा दो। ठीक है बच्चों, इसका मतलब बस इतना ही बड़ा मिरर रहेगा, काम चल जाए। तो कहने का मतलब है, पैर दिखिएगा या सर दिखेगा रे, तो बीच का भी तो सब दिख जाएगा। मान लो घुटना देखना है, तो घुटना में से कोई ना कोई रे तो निकल के जाएगा ही। अरे बोलिए ना, तो क्रिटिकल बात तो यही ना था कि सर और पैर दिख जाना चाहिए। बाकी अब जैसे यहाँ ये देखना है तो ये नहीं चला गया, बताइए तो नहीं चला गया आपको? ये वाला जगह देखना है तो ये नहीं चला गया ऐसे? अरे है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो सब आपको आपका दिख जाएगा। हाँ बढ़िया, मैंने क्या कहा था, ये एक्स है और ये क्या है? ये वाई है। ठीक है बाबू, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं ये पता करने के लिए कि इसका लेंथ कितना है। कंस्ट्रक्शन ये है कि काम करिए, आप बस मिला दीजिए, आप बस इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको आप, अरे ये कुछ मिला थोड़े रहे, नॉर्मल है जिसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया है। अब आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल नजर आ रहा है क्या? आपको ये नजर आ रहा है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं क्या? आपको नजर आ रहा है दोनों सर्वांगसम है? कैसे? तो सर्वांगसम ही कॉन्ग्रुएंट होता है। ये 90-90 हो गया, ये एंगल और ये एंगल क्यों बराबर होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर एंगल। हाँ ठीक है, तो अरे यार अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा, तो सिमिलर तो हो गया, लेकिन एगो साइड कॉमन है, ये कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सारी चीजें बराबर होती हैं। ठीक है, सीपीसीटी नहीं पढ़े हो? हाँ, तो ये और ये बराबर होगा, टोटल एक्स है क्या? बोल नहीं रहे हो? तो ये कितना होगा और ये भी कितना होगा? और अगर मान लो बच्चों कि मैंने एक लाइन ऐसा खींच दिया, तो ये एक्स बाई टू, तो ये भी कितना होगा? यहां से यहां तक एक्स बाई टू, आपको दिखाई दे रहा है ना वो एक्स बाई टू दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। अब तुम इन दो ट्रायंगल्स को देखो बढ़िया से, हैं? तो बताओ कि क्या ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं? कैसे कॉन्ग्रुएंट है? कैसे? तो कहने का मतलब है कि 90-90 आई बराबर आर, तो तीसरा तो यूं ही बराबर, आ साइड एगो कॉमन हो गया। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की सारी चीजें सेम, पूरा कितना वाई, तो ही कितना वाई बाई टू, तो ये भी कितना, तो यहां से लेकर यहां तक वाई बाई टू। अब आप बताइए टोटल लेंथ ऑफ मिरर कितना हो गया? लेंथ लिखा है, लेंथ ऑफ क्या कितना हो गया? तो एक्स बाई टू प्लस, हाँ ये एक्स प्लस, और एक्स प्लस वाई ही ना आपका हाइट है। हे भगवान, एक्स प्लस वाई ही ना आपका हाइट है। सर से लेके आंख तक वाई, आंख से लेके नहीं सॉरी पैर से लेके आंख तक वाई, आंख से लेके सर तक एक्स। तो क्या हम इसको एच बाई टू नहीं लिख दें? तो इससे बाबू प्रूफ हो गया कि इससे
प्रूफ हो गया कि आधा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? हाँ। तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आगे चल के कहीं आप बढ़ई बन जाते हैं, नहीं नहीं मैं बाई प्रोफेशन बोल रहा हूँ, आप अगर कारपेंटरी का काम करना चाहते हैं, शांत रहोगे रे, तो तुमको ड्रेसिंग टेबल बनाना होगा ना, तो तुम देखे होगे ड्रेसिंग टेबल में वो जो मिरर बनाता है सब ना, वो बिना मतलब का ज्यादा बना देता है, वो 4 फीट 5 फीट का बना देता है, उतने की जरूरत वो आएगा ना आपसे बोलने की हमको ड्रेसिंग टेबल बनवाना है, तो फीता लेके आप उसका उसको डाउट होगा कि पता नहीं हम दर्जी के यहाँ आ गए हैं कि बढ़ई के यहाँ आए हैं, लेकिन आप उसका हाइट मेजर कर लीजिएगा पहला काम, ताकि आप ये डिसाइड कर सके कि हमको कितना लंबा मिरर बनाना है। अब 6 फीट का निकला, 3 फीट एकदम हो गया, 1 इंच ज्यादा हम उसको नहीं देंगे, इतना मेहनत से हम लोग पढ़ रहे हैं 1 इंच ज्यादा देने के लिए। तुम क्या बात करता है, हैं? बोल रहा है इतना मेहनत कर रहे हैं हम कारपेंट्री करेंगे, तुम क्या बात करता है। एक जुआरी करके एक आता है जिसमें पलंग वलंग सोफा होता है, ब्रांड है, जाके देखो ना लाखों रुपए में उसका पलंग मिलता है, हैं? अरबों खरबों का कारोबार है उन लोगों का। तुम ये बोल रहा है कि इतना मेहनत से हम पढ़ रहे हैं हम लोग चाय बेचेंगे, जाके देखो ग्रेजुएट चाय वाली को जाके देखो बात करता है। एक बात याद रखना, सुनिए, आपको लग रहा है ना कि नौकरी जिंदगी है, तो बाबू नौकरी जिंदगी का खात्मा है एक तरीके से। जिस दिन आपकी नौकरी लग गई ना, कोई पेपर में लिख के दे देगा कि आने वाला 40 साल आपका कैसा गुजरने वाला है। आप समझ रहे हैं? तो ये मत बोलिए कि वो कारपेंट्री करेंगे, हजामत करेंगे या कि चाय बेचेंगे, लेकिन जो आज चाय बेच रहा है ना, उसको नहीं पता है कि जस्ट अगले ही साल क्या होने वाला है। बर्बाद भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हर शहर में उसका आउटलेट खुल जाए। MBA चाय वाले का नाम सुने हो? बड़े बड़े शहर में उसका आउटलेट है, वो भी एक स्टॉल से खोला था। ये सब मत सोचिएगा कभी, कोई काम बुरा थोड़े होता है। हमको तो बचपन से कभी नौकरी नहीं करना था, हाँ इधर देखो, तो क्या करना बताओ, पहले उसका हाइट मेजर कर लेना, लेकिन एक और चीज मेजर करना, शांत रहो, उसके आंख से उसके वो भी तो इम्पोर्टेंट है, कहे कि मिरर को एकदम सर से सटा के थोड़े रखोगे, मिरर को तुमको आंख और सर के जस्ट बीच में यहाँ यहाँ रखना पड़ेगा, और उसके बाद सीधा लटका देना, और नीचे से मत मेजर करना। अरे यार ऊपर से तुम लटका दोगे आधा हाइट का, तो वो अपने आप यहाँ पहुंच जाएगा। अरे बोलिए ना, आधे हाइट का होना चाहिए, इतना समझ में। प्रूफ प्रूफ कहीं नहीं पूछेगा, चूंकि सिलेबस में ही नहीं है तो बोर्ड तो कभी नहीं पूछेगा। हाँ IIT पूछेगा तो रिजल्ट याद रखेंगे, प्रूफ थोड़े पूछेगा। क्लियर है? एक चीज और मैं आपको बता दूं, चुप हो जाओ, तुम लोग मेरी बात सुनते हो? तो बोलते बोलते कैसे सुनते हो? नहीं आदमी एक बार में दो काम कैसे कर सकता है, मल्टी टैलेंटेड है। अगर हम सुन रहे हैं तो हम बोल कैसे, क्योंकि दिमाग जो है वो अभी मुंह को ऑर्डर दे रहा है कि बकबका लो, कभी कान को ऑर्डर नहीं दे रहा है कि सुन लो, ऐसा है। सुनिए एक और बात, देखिए मैं आपको बताता हूँ, शांत रहिए एकदम। एक और बात, सामने मिरर लगा हुआ है, मान लो लगा हुआ है, आपने मिरर में देखा, नहीं आधा हाइट का नहीं है तो पूरा नहीं दिखेगा आपकी बॉडी का पार्ट, तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको दिख रहा है, मान लो लोअर पार्ट हमको यहाँ तक दिख रहा है, आपको क्या लगता है जब हम पीछे जाएंगे तो हमको हमारी बॉडी का ज्यादा पार्ट दिखेगा और कम दिखेगा कि उतना ही दिखेगा? जैसे जैसे पीछे जाएंगे हमको अब ज्यादा ना दिखेगा, जैसे मान लीजिए कि मिरर से मान लीजिए यहाँ पे मिरर है, नहीं नहीं उसमें क्या है कि अभी मैं वहां रखूंगा तो एग्जैक्ट वर्टिकल होना चाहिए, उसके लिए एग्जैक्ट क्या होना चाहिए,
और मुझको एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलना होगा। अगर इसमें भी ढलान होगा ना ऐसा ऊपर नीचे तो काम गड़बड़ होगा। जो मैं पूछना चाह रहा हूँ उसके हिसाब से एकदम वर्टिकल मिरर है, तो आप सामने से देखें आपको यहाँ दिखा, थोड़ा पीछे जाइएगा तो मैं पूछ रहा हूँ और ऊपर दिखेगा कि और नीचे दिखेगा। जितना आप दूर जाइएगा उतना, बहुत दूर चले जाइएगा तो पूरा बॉडी पार्ट दिखेगा, पूरा बॉडी पार्ट दिखेगा जी नहीं। आप यकीन मानिए आप कितना भी पीछे चले जाइए अगर आपको यहाँ तक दिख रहा है ना, तो कितना भी पीछे जाइएगा आपको इतना ही दिखेगा। आपके घर में मिरर होगा ना, एकदम दीवार पे एकदम वर्टिकली टांगना, ऐसा नहीं कि ढकर ढकर करता है, एकदम वो दीवार से चिपका होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर ऐसा ऐसा हुआ ना तब पीछे जाने पर ऊपर नीचे ये वाला मामला हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर वर्टिकल है ना तो जितना आपको दिख रहा आप लाख पीछे चले जाए उतना ही दिखेगा। एक मिनट रुकिए, जैसे मैं कोशिश करता हूं, नहीं मैं देखो दो तीन बातें होंगी। एक तो मेरा हाथ एकदम ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आइए तुम मिरर में अपने आप को देखो और मुंडी ऐसे ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे करके देखोगे शांत रहो, ऐसे नहीं होना, एकदम स्ट्रेट है तो स्ट्रेट, और तुमको पीछे भी एकदम ऐसे ही जाना है, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा है फर्स, अब हम मान के चलेंगे कि हॉरिजॉन्टल हो, वहां तो उस पर चढ़ना मत, चढ़ जाओगे तब तो काम गड़बड़ होगा। तुम बताओ तुम्हारे शर्ट का अभी कौन सा बटन दिख रहा है नीचे, सबसे नीचे दो को दिख रहा है, वहां तक दिख रहा है, तो तीन को ना दिख रहा है रे, यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है। अब पीछे जाओ, क्या लग रहा है, तीसरा नहीं ना दिखा है, और पीछे जाओ, क्या लग रहा है, मैंने नहीं नहीं दो को दिख रहा, तीसरा नहीं ना दिखा है, वो ठीक है थोड़ा सा तुम अपना ऐसा किए थे तुम ऐसे करके, अब ये तो मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया होगा, आप समझ रहे हैं। तो ये आप मेरी बात मानिए, अगर उसके पीछे जाने से ज्यादा पोर्शन दिखता ना तो ये जितना पीछे गया है कम से कम दूसरे से तीसरा तो दिखना चाहिए था ना, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस पूरे प्रूफ में एक बात बताइए, क्या इस वाले डिस्टेंस का कोई रोल था, कोई रोल नहीं है। क्या ये प्रूफ करते समय हमने इस बात पर ध्यान दिया था कि कितना दूर होना चाहिए, तो मिरर कितनी दूर रखा हुआ है फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितना भी पीछे चले जाइए आपको अगर पूरा बॉडी दिख रहा है तो हमेशा दिखेगा, बोलिए ना। हाँ बाहरी दुनिया जो है ना वो मिरर में आपको ज्यादा कम दिखेगा, लेकिन आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं कम होगा नहीं। जैसे वो लड़का जब यहां से देख रहा होगा तो जितने लोग दिख रहे होंगे, पीछे जाके देखा होगा तो उससे ज्यादा लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी पार्ट का उसको ज्यादा हिस्सा चाहे कम हिस्सा नहीं दिखेगा, उतना ही दिखेगा। अगर मान लीजिए इसी मिरर को हम लोग अगर यहां रख दे ना बाबू यहां भी, तभी देखो क्या होगा, आपके आपके सर से जो लाइट निकल के आएगा वो इसे टकरा के और अल्टीमेटली आपकी आंख तक पहुंच ही जाएगा, नहीं समझ में, पहुंच जाएगा। आपके पैर से जो लाइट निकलेगा ना वो यहाँ टकरा के और अल्टीमेटली आपके आंख तक पहुंच ही जाएगा। तो आप मिरर से थोड़ा और पीछे नहीं आ गए, पहले इतने दूरी पे थे अभी आप इतनी दूरी पे हैं, लेकिन फिर भी आपको सर से लेकर पांव तक सब दिखेगा, क्लियर है। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर हम 6 फीट के हैं, मिरर शुड बी एट लीस्ट ऑफ 3 फीट इन हाइट, ठीक है, क्लियर है। पता नहीं कहीं का होगा, बिहार बोर्ड का है, बिहार बोर्ड का है, पता नहीं, नहीं लिखा हुआ है, मैं ढूंढूंगा किसका है ये। तो ठीक है, हम लोग स्फेरिकल मिरर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।